Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Friends, जैसा कि आपको thumbnail and title देख के पता चल गया होगा, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे खुद से अपने eyebrows को शेप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेविंग. बहुत सी वुमेन्स होते हैं जिनको शेविंग करने में थोड़ी तकलीफ होती है एंड दे फील कि शेविंग जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. ऐसा ना हो कि कहीं शेप बिगड़ जाए आपके eyebrows का, शेप खराब हो जाए एंड यू एंड अप कटिंग मोर. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज शेविंग इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे. उसमें कोई भी पेन नहीं होता है एंड जो भी कंट्रोल है वो आपके हाथ में है. अब मैं आपको आईब्रो शेविंग के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताऊंगी. अगर आपको ये सब बातें नहीं जाननी देन मैं आपको टाइम स्नैप दे रही हूँ जहां पे आप जाके पूरा का पूरा ट्यूटोरियल ही देख सकते हैं एंड यू कैन स्किप दिस पार्ट. बट इनकेस अगर आपको जानना है देन स्टे ट्यून्ड. सो नंबर वन प्रो ये है उसका कि आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस में कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो टू द पार्लर एंड सलून टू गेट योर आईब्रोज एंड फोरहेड डन. जस्ट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शेविंग से जो है वो हेयर ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी. हो सकता है आप देखें कि वेदर थ्रेडिंग से जो है अगर आपकी हेयर ग्रोथ 10 दिन में होती है तो शेविंग से हो सकता है 5 दिन में ही आपका हेयर वापस से ग्रो हो जाए. तो हेयर ग्रोथ का जो पेस है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगा. वेदर जो हेयर का जो टेक्सचर है यानी थिकनेस, मोटाई वगैरह नहीं बढ़ेगी, बिकॉज शेविंग से आप सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लेयर यानी कि टॉप लेयर आप अपने बाल का हटा रहे हो. यू आर नॉट रिपिंग आउट द फॉलिकल. जो अंदर का जो बाल का जो फॉलिकल होता है उसको आप नहीं निकाल रहे हो. वेयरस थ्रेडिंग में एंड वैक्सिंग में आप पूरा फॉलिकल ही पुल कर लेते हैं, जिससे कि आपका टेक्सचर चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है. एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि जब आप अपना हेयर को यहां से कट कराते हैं, सर के बालों को जब आप यहां से कट कराते हैं, तो क्या आपका हेयर का टेक्सचर यहां रूट से चेंज हो जाता है? आई डोंट थिंक ऐसा होता है. सो वैसा ही आपकी बॉडी के लिए भी है कि अगर आप अपने टॉप लेयर को हटा रहे हैं हेयर का, तो वो आपका टेक्सचर चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा. And your hair will grow as smooth, वैसे ही आपका grow होगा जैसा कि आपका normal texture है बालों का. एक चीज मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी कि आईब्रो रेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज दी आईब्रो रेजर आई ऑलवेज यूज. और ये जो आईब्रो रेजर है ये टिंकल ब्रांड की तरफ से है. ये ब्रांड जनरली आपको Amazon पे, Flipkart पे मिल जाएगा. लोकल मार्केट में भी इजिली अवेलेबल है इफ यू कैन फाइंड इट, और अदरवाइज ये ऑनलाइन अवेलेबल है. सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एक हाइजीन टिप जो मैं आपको इस रेजर के साथ दूंगी वो ये कि जब आपकी शेविंग हो जाए, वेन यू आर डन योर शेविंग, तो आपको इसको एक बार साफ कर लेना चाहिए कि जो भी इस पे डर्ट या डेड स्किन सेल जो अक्यूमुलेट हो गया है एंड जो भी हेयर वगैरह जो अक्यूमुलेट हो गया है वो सारा का सारा हट जाए. तो इसको आपको जस्ट थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करना है जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स. अच्छे से इसको एक साफ कपड़े से आपको इसको ड्राई आउट करना है एंड जस्ट लीव इट. ऐसे ही इसका कैप लगा के आप इसको छोड़ सकते हैं. सो ये आपका स्टेरिलाइज भी हो जाएगा, कोई भी इस पे डर्ट एंड डेड स्किन सेल्स भी नहीं रहेंगे एंड इट्स रेडी टू यूज फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो ये तो हो गई रेजर की बात एंड अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वाइज समझाऊंगी कि आपको कैसे शेविंग करनी है, हाउ टू बिगिन विद शेविंग. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, देन प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो. मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई वेक अप टू न्यू सब्सक्राइबर्स एंड आई डू होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड. एंड ऑल्सो बेल बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरे आगे आने वाले वीडियोज मिस ना करें. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आईब्रो शेविंग शुरू करने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि आपका फेस बिल्कुल ही क्लीन हो, कोई भी उस पर ऑयलीनेस एंड डर्ट पोल्यूशन वगैरह ना हो. तो मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरा फेस बिल्कुल साफ है. यहाँ पे मैं एक टोनर की हेल्प से अपने फेस को साफ कर रही हूँ. फिर आपको एक वाइट कलर की आई पेंसिल लेनी है. आप चाहें तो एक लिप लाइनर भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा डार्क होना चाहिए आपके स्किन कलर से या बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए. इस केस में मैंने वेट एंड वाइल्ड की कोल पेंसिल ली है इन द शेड वाइट एंड उससे मैं जस्ट आउटलाइन कर रही हूँ अपने आईब्राउज को, ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि मुझे कहाँ तक नहीं जाना है. सो आईब्रो की जो लाइन मैंने अभी फॉर्म की है वाइट पेंसिल से, उससे मुझे ऊपर ही रहना है और बहुत नीचे एकदम आईब्राउज की तरफ नहीं आना है रेजर को लेके. सो ये यही मेक श्योर करेगा, इसलिए हम आउटलाइन कर रहे हैं. अगर आप एक बिगनर हैं तो ये आउटलाइनिंग का स्टेप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अब मैंने यही वाला रेज़र लिया है जो टिंकल का मैंने आपको दिखाया था एंड अगर आपको ये रेज़र ख़रीदना है तो मैं ऑनलाइन लिंक आपको दे दूंगी. अब मैं बहुत ही शॉर्ट स्ट्रोक्स ले रही हूँ एंड फोरहेड से मैंने शुरू किया है यहाँ पे स्ट्रोक्स लेना एंड
आप देख सकते हैं कि जो हेयर है फोरहेड पे वो हट रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रेज़र. आपको बहुत ही स्लोली स्लोली छोटे छोटे आपको मोशंस लेने हैं अपने फोरहेड पे. आप चाहें तो अपने फोरहेड को ऊपर से पकड़ भी सकते हैं, जैसे कि हम थ्रेडिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइट स्किन को रखते हैं पकड़ के, तो वैसे ही आप कर सकते हैं. एंड अब देख सकते हैं कि मैंने जो लाइन फॉर्म की थी पेंसिल से वो कितनी हेल्प कर रही है मेरे को ये. एंड अब आप देख सकते हैं कि बाल मैंने साइड की भी हटाए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेज़र. एंड यस, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स, गो वेरी वेरी स्लोली, बहुत फास्ट एकदम नहीं रहना है आपको. एंड आप देख सकते हैं कि बाल हट गए हैं मेरे काफ़ी, जो साइड के थे वो हट गए हैं. अब मैं ये सेंटर पार्ट में थोड़ा सा करूँगी यहाँ पे. सो यहाँ पे भी मैंने ऊपर फोरहेड से लिया है क्योंकि मैं अपना फोरहेड भी शेव करती हूँ व्हेन आई डू माय आईब्राउज, तो बहुत ही एक अच्छा सा लुक आता है. एंड अब मैं सेंटर जो आईब्राउज का जो बीच का एरिया होता है वहाँ पे भी ऐसे ही सेम छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके कर रही हूँ. यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, ऐसा ना हो कि आपकी दूसरी आई में लग जाए या आई लैशेस को टच हो जाए रेज़र. सो जस्ट मेक श्योर टू बी केयरफुल एंड बहुत ही धीरे धीरे से आपको ये करना है. एंड अब मैं नीचे की तरफ आऊँगी आईब्राउज को, आईब्राउज के नीचे की तरफ करूँगी. तो आपको ऐसे दोनों उंगलियों से अपने आईलिड एरिया को नीचे से और ऊपर से ऐसे पकड़ लेना है जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि स्किन टाइट हो जाए एंड तब आप उस पर रेज़र अपना मूव कर सकें. एंड ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है तो यहाँ पर भी आपको बहुत केयरफुल रहना है. एंड इस एरिया में जनरली थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते वक्त बहुत दर्द होता है, बट शेविंग से कोई भी दर्द नहीं होता है. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इसीलिए मुझे शेविंग बहुत पसंद आती है क्योंकि कोई भी पेन वेन नहीं होता है. एंड आई एम रियली रियली टफ पर्सन टू हैंडल द पेन, मुझसे पेन नहीं सहा जाता है बिल्कुल भी. एंड बस केयरफुली आपको करना है. एंड आप देख सकते हैं कि आईब्राउज मेरी काफ़ी अच्छे से जो है एक्सेस बाल जो है वो हट गए हैं. अब मैं एक स्पूली ले रही हूँ इसको, यहाँ आप एक मस्कारा वॉन्ड भी ले सकते हैं, यहाँ आप एक छोटा सा कोई भी ब्रश ले सकते हैं, जिससे कि आप सारे के सारे जो लेंथ वाले जो बाल हैं वो आप ऊपर की तरफ उठा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितनी ज़्यादा लेंथ हो गई है आईब्राउज की. एंड उसको आपको अब कट करना है विद द हेल्प ऑफ सिजर्स. इससे आपके जो भी जो आउट ग्रोन बाल होते हैं, थोड़े से लेंदी बाल होते हैं, वो आपके हट जाते हैं. सीजर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं. एंड आप चाहें तो एक दो बाल अपने प्लकर से भी, ट्वीज़र से भी हटा सकते हैं. मेरे एक दो बाल छूट गए थे तो वो मैं यहाँ कर रही हूँ. ये भी प्लकर से भी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा पेन होता है. एंड आप देख सकते हैं कि मेरी ये वाली आईब्रो हो गई है. सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड ये भी मैंने कर ली है ऑफ कैमरा. एंड थोड़ा सा मैं टोनर की हेल्प से यहाँ मैं गुलाब जल ही ले रही हूँ. एंड आप अच्छे से अपने फेस को वाइप ऑफ कर लीजिए, इससे आपके सारे पोर्स बंद हो जाएंगे, जो भी रेज़र की इरिटेशन होती है वो भी बैठ जाएगी. एंड आपका बहुत ही अच्छा सा एक डिफाइंड लुक आ जाएगा. एंड आई रियली होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रही है. डू मेक श्योर टू कमेंट कि आपको कैसा लगा. आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.